मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर नाइन इलास्टिसिटी का और इलास्टिसिटी का मतलब हम समझते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो वो उसका अपोज करता है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है और उनके इंटर रिलेशन को समझने के लिए उसका एनालिसिस करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर असाइन किए हैं जिसे हम कहेंगे शेयर स्ट्रेन uh, और स्ट्रेस और यहाँ पर अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो उनके लिए बल्क मॉड्यूलस का हम यूज़ करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल्क मॉड्यूलस ओके यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम है वी इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था <coughs> यहाँ पर इसका ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास में है वी ओके okay. we are having V the original volume. now if we are applying the compressive some kind of volumetric hydraulic stress. okay तो यहाँ पर अगर हम uh, hydraulic stress की बात करें तो उसको हम यहाँ कहेंगे pressure P मतलब P pressure हम apply कर रहे हैं. उसके कारण क्या हुआ? इसका volume decrease हो गया ठीक और जो डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम है वो है डेल्टा वी कितना है डेल्टा वी इज द डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम तो यहाँ पर ये यह जो शेडेड एरिया पर मैं जो बना रहा हूँ वो है डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन वॉल्यूम हम कहेंगे अगर हमने प्रेशर का डायरेक्शन चेंज कर दिया अंदर से प्रेशर अप्लाई किया तो वहां पर इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम होगा सो दिस डेल्टा वी इज इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम क्या लिखेंगे इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम ओके तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें ई वी की बात करें तो वो होगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी ठीक है अगर हम यंग्स मॉड्यूलस, सॉरी बल्क मॉड्यूलस का डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर बल्क मॉड्यूलर्स का डेफिनेशन क्या होगा रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू दी करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसको हम हाइड्रोलिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस उसको हम क्या कहेंगे बल्क मॉड्यूलस इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा इसको कैसे डिनोट करेंगे बीटा से डिनोट करेंगे ठीक है द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव ये हमेशा क्या है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है ऐसा यूनिट में इसका यूनिट जो होता है ऐसा सिस्टम में इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या पास्कल ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन सब का यूनिट पास्कल या न्यूटन मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है ठीक है अब अगर यहाँ पर हम बीटा को का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बीटा को डिफाइन करें तो वो होगा स्ट्रेस दैट इज सिग्मा डिवाइडेड स्ट्रेन दैट इज एप्सल सो दिस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय डेल्टा दिवाद वी बाय V. अब यहाँ पर अगर इस वी का ऊपर मल्टीप्लाई करें तो बीटा इक्वल माइनस पी क्यों लिखा यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लिखा वापस से हम यहाँ पर एक बार फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले को ध्यान से आपको समझना है बीटा इज इक्वल टू माइनस पी इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा अब क्वेश्चन आपको बिल्कुल यह पूछना है कि वाई यू आर यूजिंग द नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दिस बीटा क्यों आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इफ़ यू आर अप्लाइंग पॉजिटिव प्रेशर अगर आपने पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया ऐसा प्रेशर अप्लाई किया जो वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है सो देट इज़ अ डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम सो दिस डेल्टा वी विल बी नेगेटिव अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है इफ़ यू आर अप्लाइंग द प्रेशर सच अ वे दैट द वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नेगेटिव प्रेशर है अंदर से प्रेशर लग रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो इफ डेल्टा वी इज पॉजिटिव पी इज नेगेटिव पी इज पॉजिटिव डेल्टा बोथ आर इन अपोजिट साइन दैट्स वाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ बीटा ओके ये बीटा पॉजिटिव वैल्यू होती है पर यहाँ पर नेगेटिव साइन हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर पी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा और डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है तो पी नेगेटिव होगा इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं सो माय डियर स्टूडेंट वेन एवर यू आर यूजिंग दिस बीटा द फार्मूला इन द फार्मूला ऑफ बीटा यू हैव टू यूज़ नेगेटिव बट अल्टीमेट वट द वैल्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम द बीटा इट विल बी पॉजिटिव बीटा इज अ पॉजिटिव कॉन्सटेंट सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू वाई बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग पॉजिटिव पी दिस डेल्टा वी यू विल गेट अगेटिव दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ नेगेटिव साइन सो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू Okay so this bulk modulus is we are using for volumetric stress and volumetric strain it is very very important parameter okay uh, and related to this bulk modulus whatever the relation between volumetric stress and volumetric strain we are having one another parameter that is called compressibility okay so this concept of compressibility we will cover in next lecture okay thank you very much <coughs>